student. Today we will study the poem. The name is The Lady Bird. What is the name of the poem? The Lady Bird. Okay, it is an insect. So, Lady Bird, you are very neat, from tiny head to little feet. I like your coat of red and black. I like your clean and shiny bag. Do you polish it each night to make it shine so gay and bright? Or do you keep a tiny fay who rubs it up for you each day? Beneath your shiny bag there lie the gauze wings with which you fly. You are spreading them. Oh, please don't go. There's such a lot I want to know. Your house is burning, do you see? Well, of course, you must not stay. This is a poem about an insect, ladybird. एक ladybird के बारे में है यह poem. Ladybird के बारे में what is क्या बोल रही हैं? बोल रही हैं, ladybird, you are very neat and clean. आप बहुत ही साफ सुथरी हो. From कहाँ से? From head to little feet. आप अपने सर से और जो छोटे छोटे पैर हैं वहाँ तक एकदम साफ, नीट एंड क्लीन हो, एकदम साफ सुथरी हो. आई लाइक योर कोट ऑफ रेड एंड ब्लैक. और जो आपने यह रेड कलर का और ब्लैक कलर का कोट पहना है ना, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है. आई लाइक योर क्लीन एंड शाइनी बैग. और आपका जो बैग, आपका जो कवर है, वह इतना चमक रहा है, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है. Do you polish it each night? क्या आप रात, हर रात इसे पॉलिश करती हैं? हाँ, to make it shine so gay and bright. इसको चमकाने के लिए डेली आप रात में इसको क्या करती हैं? पॉलिश करती हैं. और do you keep a tiny fay, या फिर छोटी सी परी आपने रखा हुआ है क्या करने के लिए? जादू करने के लिए. परी के हाथ में क्या होता है? मैजिक स्टिक होता है ना, तो उससे क्या आप अपने बैग को पॉलिश करवाती हैं जिसके वजह से वो एकदम चमक उठता है? हाँ. बीनीथ योर शाइनी बैग देयर लाई द गर्ल्स विंग्स विच यू फ्लाई. और जो आप ट्रांसपेरेंट, आपकी जो विंग्स है, जो एक तरफ से दूसरी तरफ जो दिखाई देती है, जिसको कहा जाता है पारदर्शी, आप उससे जो उड़ती हैं, यू आर स्प्रेडिंग देम, आप उसे फैला रही हैं. ओ प्लीज़ डोंट गो, आप उड़ने की तैयारी कर रही हैं ना, प्लीज़ मत जाइए. देयर सो मच अ लॉट आई वांट टू नो, मुझे अभी भी आपके बारे में बहुत कुछ जानना है. योर हाउस इज बर्निंग, क्या आपका घर जल रहा है? यू डू यू से, आप ये कहना चाहती हैं कि आपका घर जल रहा है? ओ वेल ऑफ कोर्स, या अगर आपका ऐसी बात है कि आपका घर जल रहा है, तो आपको एकदम नहीं रुकना चाहिए, आप तुरंत जाइए. सो आई होप आप सभी को यह पोएम बहुत पसंद आएगा. एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. Thank you for watching me.